नंबर 19 तो बहुत ही सिंपल है, 10th में भी आप लोग बना चुके हैं। साबित करें कि बिंदु 4.3, 6.4, 5.6 तथा 3.5 एक वर्ग के शीर्ष है। यहाँ मान लेंगे कि माना माना ए 4.3, बी 6.4, सी 5.6 तथा डी 3.5 चार बिंदुए हैं। ठीक है, अभी बिंदु मानेंगे बस। चलिए, वर्ग के शीर्ष नहीं है, हम लोग चार बिंदु हैं ये मानेंगे। अब क्या करना होगा, आप यहाँ लिखिएगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, और सबके लिए दूरी सूत्र लगा देंगे। एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी डी, एक बार ए डी, और उसके बाद दोनों विकर्ण के लिए भी लगा देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, है ना, आपको पता है वर्ग के लिए कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तो आपका वर्ग हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, तो पहले ए बी निकालिए, रूट अंडर 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5। चलिए फिर बी सी निकालिए, तो बी सी बराबर यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा 6 माइनस 5 लिखिए या 5 माइनस 6 रखिए, एक ही बात पड़ता है, प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ घटेगा तो 1 और यहाँ घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ भी वही आएगा 1 प्लस 4 रूट 5। चलिए फिर सी डी निकालिए, सी डी निकालेंगे, यहाँ पे दिया है ना 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा रूट। चलिए उसके बाद सी डी के बाद क्या बच गया, ए डी, ए डी ये रहा और ये रहा। चलिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 5, चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब विकर्ण चेक कर लीजिए, यानी ए सी और बी डी भी निकालेंगे, तो ए सी निकालते हैं, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए ये रहा, सी ये रहा, हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 एक 10 रूट 10। अच्छा अब सी डी, ए सी निकाल गया, बी डी निकाल देते ना, बी और डी। चलिए बी डी के बीच की दूरी निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, चलिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 रूट 10। यहाँ देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और विकर्ण भी बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए ए बी सी डी वर्ग है, वर्ग है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपके पास ऊपर बिंदु दिए हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे करके कि 4.3, 4.3, 6.4, 5.6 तथा 3.5 वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक हैं, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक हैं, ये भी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए।